नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ गले का बहुत ही सुंदर सा एक डिजाइन, जिसके लिए हमने यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ पे पोटली बटन बनाए हुए हैं और ये पोटली बटन भी जो होंगे हमारे ये गोटा पट्टी से हमने तैयार किए हुए हैं। ये है हमारे पास गोटा पट्टी, तो आपको ये डिजाइन भी आपको देखने को मिलेगा किस तरीके से हम गोटा पट्टी से इस तरीके के पोटली बटन तैयार कर सकते हैं। तो मैंने कुछ बनाए हुए हैं और कुछ मैं आपको बना करके दिखाऊंगा। और ये हमने घेरे से मैच किया हुआ है, जैसे दामन होता है, दामन में यहाँ पे आप देख रहे होंगे गोल्डन वर्क है, तो गोल्डन ही हमने यहाँ पे यूज करना है और इसी से मैच करते हुए हमने गोल्डन और रेड यहाँ पे पाइपिंग बनाई हुई है। पाइपिंग भी हमने नॉर्मल जो कपड़ा होता है उससे तैयार की है। ये हमारे पास कपड़ा, तो इसमें से हमने ओरेब की पाइपिंग यहाँ पे रेडी की हुई है। तो पोटली बटन हो जाते हैं और यहाँ पे ये हमारे पास पाइपिंग हो जाती है। सबसे पहले हमें गले की कटिंग करनी है, तो यहाँ पे ये है बुकरम जिसमें से हम गले की कटिंग करेंगे। इस तरीके से इसको डबल करके सेंटर बना लेंगे, ऐसे यहाँ पे इसका सेंटर बना लिया जाता है। इसके बाद हम यहाँ पे ब्रॉड लेंथ के और डीप लेंथ के निशान लगाएंगे। तो हमें लगानी है पाइपिंग, तो पाइपिंग में हमें थोड़ा प्लस रखना होता है। ब्रॉड लेंथ हम यहाँ पे 3.25 इंच तक रख देंगे ताकि ये 6.5 इंच हमारी तैयार आ जाए, और डीप लेंथ रखेंगे यहाँ पे 7.5 इंच, और नीचे यहाँ पे हमें कट डालना है 5 इंच का। तो यहाँ पे सिंपल सा हम बिल्कुल सीधा कट डालेंगे और इसमें ज्यादा गैप नहीं रखना है, ऐसे हल्की सी जो हमारी पाइपिंग आ जाए उतना ही हम यहाँ पे गैप रखेंगे। इतना गैप रखने के बाद इसी पॉइंट को हम यहाँ पे इस तरीके से ऐसे पान शेप में बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। बाहर की साइड हम 1/2 से 1.25 इंच का निशान लगाएंगे और इस तरीके से यहाँ पे निशान भी कंप्लीट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे निशान लगाया है, इन्हीं निशानों के ऊपर हमें कटिंग कर लेनी है। बाहर की साइड भी हम इसी निशान पे कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए नेकलाइन जो है हमने यहाँ पे कटिंग कर ली है, कुछ हमारी इस तरीके से यहाँ पे ये नेकलाइन आने वाली है। तो इसमें ही हम पाइपिंग का काम भी करेंगे, पोटली बटन का काम भी करेंगे। तो सबसे पहले हम जो हमारे पास अलग कपड़ा है, अस्तर है, तो भी इसके ऊपर चिपका लेंगे, या मेन फैब्रिक है तब भी हम कपड़े के ऊपर चिपका लेते हैं। तो इसको मैं चिपका लेता हूँ कपड़े के ऊपर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे पेस्टिंग अपनी कंप्लीट कर ली है। अब हम बाहर का साइड का यहाँ पे इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करेंगे। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मार्जिन होता है ये काट देते हैं इस तरीके से, और सेम ऐसे ही यहाँ पे दूसरी साइड का कपड़ा फोल्ड करके कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे इस तरीके से नेकलाइन की बाहर वाला कपड़ा जो है फोल्ड कर लेना है, और यहाँ पे फ्रंट के ऊपर रखना है सेंटर पॉइंट बनाते हुए। तो यहाँ पे हमने सेंटर में लगाया हुआ है कट, और इस तरीके से यहाँ पे सेंटर में अच्छे से इसको सेट कर लेंगे और बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाते हुए इसको रेडी करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने जो है सिलाई लगा ली है बुकरम के साथ साथ। अब हम यहाँ पे एक पैर का मार्जिन रखते हुए इस तरीके से कटिंग कर लेते हैं। और यहाँ पे सेंटर में कट कर लेंगे, और यहाँ पे दोनों साइड में हल्के हल्के कट लगा देंगे, ध्यान रहे सिलाई ना कटे। इसके बाद गोलाई पे हम हल्के हल्के यहाँ पे इस तरीके से कट लगा देते हैं।
इसको अंदर की साइड हम पलटते हुए यहाँ पे इस तरीके से अच्छे से सेट कर लेंगे और इस पे हम नेक लाइन पे प्रेस कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे इस तरीके से पाइप ये नेक लाइन है जो कंप्लीट कर ली है सिंपल में। तो यहाँ पे हमने प्रेस कर ली है और प्रेस करने के बाद अब हमें लगानी है यहाँ पे पाइपिंग। तो ये हमने यहाँ पे पाइपिंग जो तैयार की हुई है ये नीचे की साइड से इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे ऊपर से सिलाई लगाते हुए इसको ज्वाइंट करेंगे। तो ये देखिए एक साइड में हमने यहाँ पे लगा ली है पाइपिंग, सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड में भी यहाँ पे ऐसे ही रखते हुए पाइपिंग को लगा लेंगे। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे इस तरीके से पाइपिंग लगाने के बाद हल्की हल्की प्रेस लगा ली है और यहाँ पे अच्छे से इसको सेट कर लिया है। तो दोनों साइड जो है हमारे यहाँ पे बिल्कुल इस तरीके से फिनिशिंग के साथ में आ जाएंगी। इसके बाद हमें लगाने हैं यहाँ पे पोटली बटन। ये हमने पोटली बटन बनाए हुए हैं और यहाँ पे गोटा पट्टी के साथ में तैयार किए हुए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एक पट्टी लेनी है, ये है हमारे पास पट्टी, ये इतनी लेंथ की लेनी है जितनी अपनी नेक लाइन तैयार करनी है। उसके बाद हमें यहाँ पे इस लेंथ में चाहिए और ये हमने दोनों साइड से इस तरीके से रेडी कर लेनी है। तो इसको हम नीचे की साइड यहाँ पे ऐसे रखेंगे और यहाँ पे चेक कर लेते हैं कितनी हमारी नेक लाइन यहाँ पे रेडी रखनी है। तो ये हमें 7.5 रखनी है, 7.5 के हिसाब से यहाँ पे नीचे की साइड ऐसे रख लेते हैं और यहाँ पे बिल्कुल सीधा रखते हुए जो पाइपिंग वाली सिलाई है, पाइपिंग वाली सिलाई के ऊपर ही यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। एक साइड में हमने यहाँ पे इस पट्टी को कंप्लीट कर ली है, अब हमें दूसरी साइड में यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो दूसरी साइड में जब हम सिलाई लगाते हैं तो यहीं पे हमें पोटली बटन यहाँ पे लगाने होते हैं। तो इस तरीके से हम नीचे की साइड यहाँ पे पोटली बटन ऐसे रखेंगे ऐसे और यहाँ पे अटैच करते जाएंगे। जितना आपने गैप रखना है उतना यहाँ पे गैप रखना, कम ज्यादा आप कर सकते हो गैप को। और इस तरीके से रखते हुए नीचे की साइड यहाँ पे ऐसे हम इनको सेट करते जाएंगे। देखिए यहाँ पे कुछ पोटली बटन हमने लगा लिए हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बना करके भी दिखा देता हूँ कैसे पोटली बटन ये बनाए जाते हैं। हमने रुई का एक पीस लिया है इस तरीके से और यहाँ पे इसको गोल कर लेना है। गोल करने के बाद हम कपड़े के इस तरीके से कपड़ा लेंगे और यहाँ पे एक साइड में रखते हुए दूसरी साइड निकाल लेंगे। ये हमने निकाल लिया है और इस पोटली बटन को आपने टाइट रखना है, लूज नहीं बनाना है। और यहाँ पे धागा लेंगे और धागा इस तरीके से हम लपेट देते हैं। धागा लपेटने के बाद अब हमें लेना है यहाँ पे गोटा। तो ये गोटा आपने इस तरीके से रखना है एक साइड में और ऐसे इसको सेट कर लेना है ऐसे, और ये टाइट रखना है। और टाइट रखते हुए हम यहाँ पे फिर से इस तरीके से ये लपेट देंगे, धागा फिर से लपेटना है और यहाँ पे ऐसे हल्का सा गैप लेके हमें कटिंग कर देना है। तो कटिंग करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे इस तरीके का आपका पोटली बटन ये बन चुका है। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे पोटली बटन बनाए हैं। मैं यहाँ पे फटाफट से एक और बना के दिखा देता हूँ। हल्का सा ये लेना है रुई का पीस और इसको गोल कर लेना है। गोल करके जब ये टाइट हो जाएगा
तो आपने कपड़े के एक पॉइंट पे यहाँ पे ऐसे रखना है और इस तरीके से इसको यहाँ पे सेट करना है। उसके बाद यहाँ पे लपेटना है धागा और साथी ले लेना है एक गोटा पट्टी और ये इस तरीके से हम यहाँ पे रख के सेट करते हैं और फिर से यहाँ पे धागा लपेट लेते हैं। हल्का गैप रखेंगे, फिर से धागा लपेटेंगे और इसको हम यहाँ पे कटिंग कर देंगे। ऐसे ही मैंने यहाँ पे ये सभी पोटली बटन बनाए थे, जैसे मैंने बताया था मैं आपको बताऊंगा। अब नीचे की साइड ऐसे ही यहाँ पे रखते हुए इनको हम अटैच कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे नेक लाइन को कर लिया है रेडी और हमने पांसे वाली नेक लाइन बनाई है और आप देख रहे होंगे यहाँ पे पोटली बटन जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। आप भी इस तरीके से पोटली बटन बना सकते हो जैसे मैंने आज आपको ये आइडिया दिया है। तो फ्रेंड्स, घेरे से मैच करते हुए हमने यहाँ पे नेक लाइन बना करके आपको दिखाई है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।